अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नाश्ते में बना रहे हैं हलवा पूरी। यकीनन आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बिल्कुल हम बाजार जैसी बनाएंगे और वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो नए हैं हमारे चैनल पर, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुरू करते हैं हम। 1 कप हमने लिया है मैदा। एक बॉल में हम 1 कप ले लेंगे मैदा। 1/4 कप हमने लिया है चक्की वाला आटा, वो हम इसमें शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच लेंगे नमक और लेंगे बेकिंग पाउडर। 1 चम्मच लेंगे ऑयल। 2 चम्मच डालेंगे इसमें दही, जिससे पूरियां हमारी बहुत नरम बनेंगी। हाथ की मदद से इसका आटा गूंद लेंगे। पहले दही इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे इसमें। व्यूअर्स, अच्छे तरीके से हमने इसका आटा गूंद लेना हाथ की मदद से, और आटा गूंदने के बाद जब ये इस शक्ल में आ जाए तब हम इसे 15 मिनट के लिए बिल्कुल इसे रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद फिर इसका आटा गूंदेंगे तो फिर हमारी पूरियां जो हैं वो ज़्यादा नरम बनेंगी। व्यूअर्स, पूरियां बनाने के लिए जो हमने आटा गूंदा था उसे हमने 15 मिनट के लिए रख दिए थे। 15 मिनट के बाद मैंने उसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, तो अब हम इन्हें बेलेंगे। बेलन के ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर सारे ऑयल लगा लेना है। पूरियां हम बेल रहे हैं व्यूअर्स, तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो पूरियां उसमें डाल देंगे। देखें व्यूअर्स, ऑयल जो है वो हमारा गर्म तकरीबन हो चुका है। अब हम इसे पूरियां डाल देंगे। अब हम इसमें पूरी डाल देंगे, जल्दी से इसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे। व्यूअर्स, देखें पूरियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम व्यूअर्स हलवा बनाते हैं। एक कप हमने लिया सूजी का और 1 ही कप लेंगे हम ऑयल का। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 कप सूजी का शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से चमचे से हमने इसे हिलाते रहना है सूजी को, जब तक ये घी ना छोड़ दे। अच्छे तरीके से हमने सूजी को भून लिया और देखें इसने घी भी छोड़ दिया और इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है और इसने कलर भी बिल्कुल चेंज कर लिया है। तो अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। 1 कप हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चार कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बस 1 कप हमने लिया था सूजी का और उसमें 1 कप हमने ऑयल डाला और उसे भून लिया अच्छे तरीके से। जब उसकी खुशबू आना शुरू हो गई तो
तो तब हम उसमें चीनी शामिल कर दी। 1 कप हमने चीनी ली थी और 4 कप हमने पानी इसमें डाला है। और आहिस्ता आहिस्ता पानी जैसे इसका खुश्क होता जाएगा और हलवा जो है हमारा तैयार होता जाएगा, तब तक हम इसे कवर कर देते हैं। व्यूअर्स, हलवा हमारा तैयार हो चुका है, तब हम आंच जो है वो आग की बंद कर देंगे।